हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट डायलिंग ए टेलीफोन नंबर एंड ओल्ड मैन फॉरगेट्स द लास्ट टू डिजिट्स रिमेंबरिंग ओनली दैट दीज आर डिफरेंट डायल्ड एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डायल्ड करेक्टली। ऑल राइट, सो एक ओल्ड मैन है जो कि नंबर भूल चुके हैं, सिर्फ लास्ट के टू डिजिट्स, बस उन्हें इतना याद है कि जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। डिजिट्स आर डिफरेंट, उन्हें सिर्फ इतना याद है दैट डिजिट्स आर डिफरेंट। अब क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो उन्होंने नंबर डायल्ड किया वो करेक्ट था। सो जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट इज ओनली वन, एक ही नंबर करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा एंड दिस इज अ फेवरेबल आउटकम्स। राइट, टोटल आउटकम्स। अब फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो टोटल 10 डिजिट्स में कोई भी हो सकता है। एंड एज दिस ओल्ड मैन रिमेंबर्स दैट द डिफरेंट डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हैं, सो जो यहाँ पर एक बार आ गया वो यहाँ पर नहीं आ सकता सेकेंड प्लेस पे। सो टोटल आउटकम्स इज 90, दिस इज सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, सो वी गेट आंसर एज 1/90 विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। सो इसमें हमने करेक्ट कॉम्बिनेशन देखा है, 1 होगा, टोटल क्या होगा 90, फॉर्मूला लगाया प्रोबेबिलिटी का, आंसर क्या आ गया 1/90 विच इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।